अब यार जिसके पास भी स्किन नहीं होती ना बीजीएमआई के अंदर, वो बंदा बस ये चीज सोचता है कि एक बार कैसे भी करके मेरे को एक मैच के लिए स्किन मिल जाए, उसके बाद मैं जो फाड़ूंगा ना भाई हैकर भी परेशान हो जाएगा, इतनी बुरी मारूंगा ना बंदों की लिटरली वो बंदे रो देंगे। तो ऐसा ही कुछ मेरा सोचना था और मेरे को लकीली यहाँ पे मिल भी जाती क्योंकि मेरे दोस्त ने अभी अभी क्रेट ओपनिंग वगैरह करी थी, तो इसने तीनों ग्लेशियर निकाल ली, यूएमपी एकेएम एंड जो भी दूसरी वाली M4 वाली। तो देख सकते हो आप लोग इस तरीके से मैं चला रहा हूँ किल फील्ड, बस आप लोग को थोड़ा सा जला मैं बोल रहा था कि आप लोगों से व्यू मैं बोल रहा था कि मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि मेरा गेम प्ले कितना अच्छा है और मैं भाई साहब बहुत भयंकर तरीके से मारने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास स्किन आ गई है ना, तो सबको मैं बहुत बुरी तरीके से फाड़ने वाला हूँ। और यही मैं सोच के गया था ये वाले मैच में। सबसे पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो यहाँ पे मैं कुछ सेंसी वगैरह चेक कर लिया क्योंकि दूसरे का अकाउंट हो ना, तो थोड़ा सा सेंसी वगैरह भी सेट करनी पड़ती है। और आप लोग देख सकते हो कितना भयंकर तरीके से मार रहा हूँ, हालांकि मैं इसमें मारते मारते मर गया कई बार जिसकी वजह से हम लोग हार भी जाते हैं। और वैसे मैंने ट्राई हार्ड तो बहुत किया था लेकिन जब भी हम नहीं जीत पाए टीममेट खराब थे, नहीं सच्ची में टीममेट खराब थे इस वजह से हम लोग हार गए। अरे नहीं यार वही टीममेट की आईडी है, नहीं टीममेट तो अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, मैं ही खराब था। देखो फर्स्ट मैच में आते जहाँ पे मैं तबाही मचाने वाला हूँ, मजाक से हटके अब बस आप लोग सीरियस हो जाओ क्योंकि मैं बहुत बुरा मारने वाला हूँ। ये मिल गई मेरे को गन सामने की साइड में बंदे और ये क्लच। तो गाइज वो देखो अभी मैं रिवाइव हो जाऊंगा, मेरे को पता है कई कई बार गलतियां हो जाती है, वो पिंग विंग का इशू होगा, 450 पिंग हो गई थी इस वजह से मैं मर गया। बाकी अभी देखो मैं रिवाइव हो गया, इतना बुरा पेलने वाला हूँ यहाँ पे, कितने बंदे बहुत 35 बंदे, 35 को मार दूंगा। तो एक दो बार तो गलती होती है यार, इंसान हूँ मैं भी। अभी उसके बाद देखो ये तो स्टार्ट कर दी ना बैंकर, अब बस मेरे को वो गन वगैरह चाहिए जो भी यूएमपी वगैरह हो, चलो यूएमपी मिल गई। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ हैक कैसे करते, आई मीन हैकर कैसे बनते। देखो सबसे पहले सामने बंदा दिखा होगा उसको इस तरीके से मार लेना, अब ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बहुत बुरा मारूंगा। अब उसके बाद मैं आगे की साइड में आता हूँ जहाँ पे होती है एक टीम और मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये बंदा इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा और दूसरे के पास शॉटगन होगी। बाकी आप लोग पेटियां देखो, बस गेम प्ले ना देखो, पेटियां देखो, किल फील्ड देखो, किल फील्ड और जल आई मीन ये मेरे मुंह से आज सच्चाई क्यों निकल रही है भाई। और ये देखो भाई किस्मत, बस यही ऐसी किस्मत है मेरी, जब भी कोई अच्छा काम होने जा रहा होता ना किस्मत तो रोना करवाती है। अब देखो उसके बाद मैं सेकंड मैच लगाता हूँ और सिर्फ मेरे पास दो ही चांस थे, जो दूसरा चांस है ये वाला, इसके बाद मेरे को कोई चांस नहीं मिलेगा, लास्ट था ये है ना। उसके बाद शुरुआत होती है ये वाले मैच की बॉट के साथ में, जिसको बॉट को मार के बस आप लोग किल फील्ड देखो, किल फील्ड ये देखो, किल फील्ड है ना। उसके बाद में ये वाले बंदे को मारने के बाद आगे की साइड में पूरी टीम होती है जिसको मेरे को क्लच करना होता है जिससे मेरी एक शॉट बन जाएगी, लेकिन भाई ये बंदे हलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके बाद लकीली एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद मैं सीधे से पुश करने वाला था लेकिन तभी मेरे को राइट साइड से देखना क्या सीन होता है। उससे पहले मैं एक मॉली कर देता हूँ ताकि ये बंदे थोड़ा सा दूर हो जाए यहाँ से, और जैसे ही मैं घुसा था तो मेरे को राइट साइड से पड़ने लग गई थी और मेरा डैमेज हो गया, तो उतने में देखो अब हाफ एच में मैं इन दोनों को मार दिया था, इनका लास्ट वाला बंदा बचा था लेकिन गलती से यहाँ पे मेरे से जंप हो जाता और मैं नॉक हो जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास रिकॉल बचा था तो मैं सोचा कि यार अब जाके अब बस बढ़िया से शांति से क्लच करेंगे। तो मैं आता हूँ अपार्टमेंट में जहाँ पे मैं सोचा कि भयंकर क्लच करूंगा, सामने फाइट भी हो रही थी और सामने मेरे को बस एक किल दिख गया, तो मैं बोला यार पहले इसको चुराओ बाद में देखेंगे कुछ भी। और किल फील्ड देखो, किल फील्ड हाँ किल फील्ड देखने के बाद मैं देखो अब ये बंदा भाई बहुत बेकार बंदा था ये लिटरली। मैं देखो एक बंदा ऊपर चढ़ा, अपार्टमेंट में कैंपिंग होती है, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ और कोई भी करता है। देखो अब सामने ये बंदा ना निकल के जा चुका था तो मैं इसके पीछे पीछे जा रहा था और मेरे को लगा था मैं गलती कर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे गलती नहीं करता, ऐसा मेरे को लगा था। मैं मार दिया, मारने के बाद मैं सीधे से जाता हूँ क्योंकि गलती तो आगे करनी थी, इस बस जैसे रुक गया था ना वहाँ पे। बाय द वे वही भिखारियों वाली बात, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना, करना चाहो तो, बाकी देख लेना आपकी मर्जी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।